सिर्फ घूमने फिरने के लिए लोग आते हैं भाई। और ड्रैगन फ्रूट ले रहे हैं भाई। भाई नाइट लाइफ तो यहाँ भी है। लो भाई रात को निकले हैं एक्सप्लोर करने के लिए कंबोडिया की कैपिटल। कुछ ऐसा नज़ारा है रात का, है तो अच्छा देखने में। भाई हम जा रहे हैं रॉयल पैलेस की साइड और रोड पे के देखो पेड़ के ऊपर के लाइट लगा रखी हैं और छोटे छोटे स्टॉल भी हैं खाने पीने के और लोग साइड में एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, जॉगिंग भी कर रहे हैं, डांस भी कर रहे हैं। अच्छा है ना। ये स्टॉल ऐसे लगे हुए हैं। अच्छा है यार, कसिनो बहुत है यहाँ पे इस साइड। रात को कुछ नहीं दिख रहा होगा भाई, साइकिल यहाँ खड़ी करनी होगी यार, सेफ्टी नहीं है और स्वीटों को सेफ्टी के बगैर नहीं खड़े कर सकते भाई। तो पैदल देखेंगे कल आने की यहाँ पे, आज तो चलते हैं यहाँ से भाई। रॉयल पैलेस तो देख के नहीं आए, क्या कहें भाई, करना पड़ता है ना, जैसा भी है। देख रहा हूँ कुछ खाने का मिले तो ना दो अपने राइस बनाए थे कल भी शाम को, सुबह भी चौंक मार गए, एक नंबर के बना दिए थे तेरे भाई ने। सब्जी तो यहाँ भी है, फ्रूट देख रहा हूँ, फ्रूट। और देखो डांस चल रहा है भाई, आराम आराम से कर रहे हैं। लेकिन भाई अब हमने वो हॉस्टल छोड़ दिया है, दूसरे हॉस्टल में जा रहे हैं यार, उसमें कंफर्टेबल नहीं हुआ हमें, पता नहीं मना नहीं लगा। अरे वही है, पहले दो दिन का बुक करते हैं उसके बाद है ना, अगर अच्छा लगता है तो कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो फिर चेंज कर लेते हैं। तो ये अच्छा नहीं लगा इसकी वजह से चेंज कर लिया। और भाई लुक भी चेंज की है कल, हैं देख रहा होगा आपको, तो प्लीज़ बताना कैसा लगा। और ये देखो आप क्या बोलेंगे इसको, क्या भाई स्मारक की चीज़ का मुझे पता नहीं है। और अच्छा है यार देखा जाए तो, अपने इंडियन तो कम है यहाँ पे लेकिन फॉरनर बहुत ज़्यादा हैं, वैसे वाले गोरे वाले। भाई बोट यहाँ भी काफ़ी हैं, काफ़ी चलती हैं। देखो भाई ये दो रिवर है और एक सामने और दूसरी रिवर, दोनों एक बन जाती हैं, मतलब दो रिवर आके एक बन के आगे जाती है। जो आगे जाती है वो मेकोन रिवर है जो हमने क्रॉस की थी, जो कि बहुत बड़ा ब्रिज था। जो उस साइड वाली है वो मेकोन रिवर है जो ये हमें दिख रही है। ये है भाई रिवर का नाम है इसका तानले साहब, ये रिवर का नाम है भाई तानले साहब, मतलब कबूतर देख लो आप बड़ी संख्या में हैं और लोग दाना डाल रहे हैं इनको, है ना। देखो ये गुड़िया पूरा खेल रही है इनके साथ। और भाई पत्थर है, ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते है ना, तो जितना होता है उतना ठीक है, एडजस्ट कर लिया करो यार कभी कभी, मानते हो बॉस। और यहाँ पे काफ़ी लोग तो ऐसा है जो एक्सरसाइज भी करते हैं, जैसे लड़के आ रही है रनिंग करते हुए यार। देखो लोग भाई फुले खड़े हैं, अंदर कोई पार्ट भी कर रहा है ना। देखो भाई रॉयल पैलेस को है ना गोल्डन गोल्डन दिखने के लिए इसकी लाइट का कलर भी ऐसा किया गया है। और जो ये बना था ये 1866 में बना था भाई। और दोस्तों जो ये पैलेस है ना ओपन होता भाई सुबह 9 से शाम के 5:30 बजे तक होता है और $10 इसकी फीस है। रात को काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं, सामने रिवर है वहाँ पे भी इंजॉय करते हैं, सिर्फ घूमने फिरने के लिए लोग आते हैं भाई। और
ड्रैगन फ्रूट ले रहे हैं भाई, 1 किलो 5000 के। क्या बात है, देख लो ड्रैगन फ्रूट ले लिए भाई, लगभग इतने के मिलते हैं। तरबूज और लेने की इच्छा हो रही थी यार, पर बनाना है ना, ये तो कच्चे रखे हुआ भाई, पके पके देखेंगे, पके पके। देखा भीड़, मेरे बड़े चाइना स्कूटी इतनी ले रहे हैं। भाई नाइट लाइफ तो यहाँ भी है, जैसे आपने वियतनाम में भी देखा, लाओस में तो नहीं देखा और थाईलैंड में भी देखा है ना, लेकिन क्या कहें, रोड क्रॉस कर रहे हैं भाई, यहाँ पे बस म्यूजिक नहीं है, वैसे जगमगाती ऐसी रहती हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, है ना। क्या बात है, कंबोडिया, पुशकेट, रेड फॉक्स, और ऐसे कुछ ये बनाए हुए हैं। स्वीट विंटर, यहाँ पे म्यूजिक और लाइट सिस्टम नहीं है, नहीं तो लोग पार्टी वार्टी के लिए ऐसे ही बैठे हुए हैं यहाँ भी, और मैक्सिमम यहाँ पे सभी लड़कियाँ हैं ना काली ड्रेस पहन के बैठी है मैक्सिमम, तो काली क्यों पहन रखी है कुछ पता नहीं भाई, है ना, लेकिन मैक्सिमम बैठी हुई थी काली ही ड्रेस पहन के, और इतनी ही है ये गली यहाँ तो।